पांडव देवताओं के स्वागत में माँ बापूजी और भाई साहब बिल्कुल पोज देके खड़े हो रखे हैं। हेलो गाइस। दूसरी थाली बुखड़ों से भरी हुई है, यहाँ पर ये तेल है, फूल हैं, माल्टे हैं, और दूसरी थाली में माल्टे, नींबू, यहाँ पर ये मक्खन। जय हो पांडव देवता। पांडव देवता हमारे घर पे पहुँच चुके हैं। गांव के लोग जो भी छोड़ने आ रखे हैं उनको विदा करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। 1 2 3 ये बात, अब जाओ तब बात तो मिलेगा नहीं तुमको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं, अपने छत में व्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है। ठंडी हवाएं सीधे हिमालय श्रृंखला से हमारे गांव तक पहुंच रही है और सूर्यदेव सही से दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। और सुबह सुबह हमको एक खास खुशखबरी भी मिली है कि आज जो पांडव देवता हैं वो हमारे गाँव में भ्रमण पर आ रहे हैं। तो कैसे क्या नृत्य होता है, कैसा कैसा पूरा प्रोग्राम रहता है, वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। फिलहाल जो सामने के नज़ारे हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि कल रात को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सामने जो हिमालय श्रृंखला है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पर कल रात से काफ़ी बर्फबारी हो रही है। लेकिन हिमालय की जो नीचे वाली ये पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी देखो कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। पूरी पहाड़ियाँ सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है। और आने वाले टाइम पर तो पता नहीं बर्फबारी कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ कल ही मौसम ख़राब हुआ था, उतने में ही ऐसा हो गया है। और आज भी सुबह सुबह से जो मौसम है वो ख़राब ही है। तो देखो क्या पता हमारे यहाँ भी बर्फबारी हो जाए, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं कब हमारे यहाँ बर्फबारी हो और फिर उसका आनंद हम लें और आप लोगों को भी दिलाएं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो नरसिंह देवता। दोस्तों अभी आया हूँ मैं अपने कुल देवता नरसिंह भगवान के मंदिर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ आ रहे हैं पांडव देवता, तो कुछ टाइम वो यहीं पर रहेंगे। उनके लिए यहाँ पर जलपान की व्यवस्थाएं भी हमने कर रखी हैं और यहाँ पर मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ अपने भाई लोग हैं, प्रियांशु भाई, इधर अपने नितिन भाई, अंकी भाई और हमारे विद्वान भाई साहब जो कि लाइब्रेरी में यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ ही किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो उनका वो आनंद ले रहे हैं। और अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव के खेतों में पांडव देवताओं के स्वागत में, और मेरे साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे और गांव की सभी महिलाएं आ रही हैं। तो चलिए पहुंच चुके हैं हमारे गांव में पांडव देवता, पांडव देवताओं का स्वागत है हमारी जन्मभूमि खमोली में। तो खेतों से चलते चलते पांडव देवता पहुंच चुके हैं गांव के पहले घर पर, दादी लोगों के घर पे, और ऐसे ही हर परिवार हर घर पे पांडव देवता जाएंगे और परिवार को आशीर्वाद देंगे।
और अभी भागे भागे मैं पहुंच चुका हूं अपने घर पे। मैंने आपको बताया था कि पांडव देवता हर घर पे जाएंगे और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देंगे, तो मैंने सोचा अपने घर पे भी कुछ तैयारियां कर लेते हैं। मतलब कुछ देना पड़ता है पांडव देवताओं को, और सबसे जो उनकी मुख्य चीज़ है वो बोलते हैं जो चूड़ा बुखड़ा हमने बनाए थे ना, तो वो इसीलिए बनाए थे कि ऐसे पांडव नृत्य जहाँ पर भी होंगे तो फिर हम पांडव देवताओं को बुखड़ा ज़रूर खिलाएंगे। और ये देखिए पांडव देवताओं के स्वागत में माँ बापूजी और भाई साहब बिल्कुल पोज देके खड़े हो रखे हैं। हेलो गाइस, जय हो पांडव देवताओं। पांडव देवता। और मैंने आपको बोला था कि उनके लिए स्पेशल चीज़ हमने रखी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरी थाली बुखड़ों से भरी हुई है। यहाँ पर ये तेल है, फूल हैं, माल्टे हैं, और दूसरी थाली में माल्टे, नींबू, यहाँ पर ये मक्खन और धूप धाम, मतलब पूरा जो होता है उनको देने के लिए सब रखा हुआ है। तो बस अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हमारे घर पे पांडव देवता पहुंच जाएंगे। और जो ये थाली थूली रखने के लिए होता है ना, तो स्पेशल चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती है उसके लिए, गोबर गोबर से, और माँ बोल रहे दौड़ दिया वाला हमने। पांडव देवता, पांडव देवता हमारे घर पे पहुंच चुके हैं। जय हो। चलो भाई, पांडव देवता हमारे घर पे आए और अब आगे चाची लोगों के घर पे चल पड़े हैं। तो अब पांडव देवताओं के साथ साथ में चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पांडव देवता सब गांव में घूमने के बाद जाएंगे कुल देवता नरसिंह भगवान के पास। Thank you.
तो जलपान करके अब पांडव देवता चल पड़े वापसी मालखी गांव की ओर। और अभी है पंगरोली स्टेडियम में, तो थोड़ा यहां पर गांव के लोग जो भी छोड़ने आ रखे हैं उनको विदा करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। तो ये देखिए अपने पंगरोली स्टेडियम में कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं पांडव देवता अपने वेशभूषा में। जय हो पांडव देवता। पांडव देवता चले अपने गांव मालखी की ओर और यहां पर देखिए गांव के जितने भी लोग आ रखे हैं सब यहां पर बैठ गए हैं। शायद इनको अब भात देना है, यहां पर इनको भूख लग गई होगी। तो एक लाइन यहां लगी हुई है और एक लाइन यहां पर लगी हुई है। तो कई लोग बोलते हैं गांव के पूरे लोग नज़र नहीं आते हैं, तो यहाँ पर गाँव की लगभग सब महिलाएँ आपको देखने को मिलेगी। और दो खास मेहमान भी हमारे बीच पहुँचे हैं सीधे दिल्ली से, जो कि काफ़ी वीडियो हमारी देखते हैं। कमरा लगी थी वीडियो था बहुत बढ़िया पक्की बात। तो सब लोग एक बार हेलो गाइस करेंगे जब मैं बोलूंगा 1 2 3। आवाज ये नहीं होनी तब भूख लगी होता है। हाँ 1 2 3। ये बात अब जाओ तब बात तो मिलेगा नहीं तुमको, अब घर जाओ। तो ये लोग यहाँ पर गपशप लगाएंगे या घर जाएंगे अभी वो कुछ पता नहीं, लेकिन मैं चला अब भागे भागे पांडव देवताओं के पीछे, क्योंकि मुझे वहीं बगल पड़ोसी गांव जो हमारा नैणी है मालखी के अंदर ही वो गांव आता है, तो वहां पर पांडव देवता जा रहे हैं तो वहां पर उनको छोड़ के आते हैं। जंगल से होते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं नैणी मालखी गांव की सीमा में और यहां पर विराजमान हैं भैरव बाबा। तो सभी पांडव देवता भैरव बाबा की परिक्रमा कर रहे हैं और उसके बाद वो यहां से आगे चले जाएंगे और हम वापसी जाएंगे अपने गांव की ओर। जय हो पांडव देवताओं की, जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा।
तो पांडव देवताओं के साथ घूमते फिरते मैं पहुंच चुका हूं अपने बगल पड़ोसी गांव नैनी गांव में, और आज पांडव देवता यहीं पर विश्राम करेंगे, यहीं पर उनका आज डेरा होने वाला है। लेकिन अपने डेरे पे जाने से पहले वो पूरे गांव का भ्रमण करेंगे जैसे उन्होंने हमारे गांव में किया था। मैं सोच रहा था भैरव बाबा से वापसी अपने गाँव चले जाता हूँ, लेकिन शायद किस्मत में ऐसा नहीं रहा होगा, किस्मत में रहा होगा कि थोड़ा नैनी गाँव भी पांडव देवताओं के साथ घूमा जाए। और कुछ पांडव देवताओं का जो रात्रि विश्राम है, रात्रि डेरा है, वो यहीं होने वाला है। इसीलिए पांडव देवताओं से आशीर्वाद लेके मैं वापसी अपने गांव के लिए जा रहा हूं। और यहां दिखाऊं तो यहां पर अपने चाचा ताऊ लोग पांडव देवताओं के लिए खाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हेलो गाइस, ताऊ जी को भी बोलो हेलो, बोलो बोलो हाँ हेलो। तो नैनी मालकी गाँव से पांडव देवताओं का आशीर्वाद लेके मैं वापसी आ चुका हूँ घर पे। और जैसे यहाँ पर पहुँचा तो बुआ जी पहुंची हुई है। हेलो हेलो गाइस, इधर अपनी माँ है, इधर अपनी दूसरी बुआ है, और इधर अपनी भाभी जी।